शिक्षक भर्ती पर स्टे। शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आज ही शुरू हुई थी काउंसलिंग प्रक्रिया और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर रोक लगाई है। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच का आदेश और आंसर शीट पर विवाद को लेकर के इस पर रोक लगा दी गई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, एक बड़ी खबर है जहां पर आंसर शीट पर विवाद को लेकर के इस पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती पर स्टे लगा दिया गया है। तो शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि आज ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी और आज इस पर रोक लगा दी गई है। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर रोक लगाई है, बेंच से रोकने का आदेश जारी किया है। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच का आदेश, आंसर शीट पर विवाद को लेकर के इस पर रोक लगा दी गई, काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। संजय सिंह चौहान जुड़ गए हमारे संवाददाता। संजय, और क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ वजह रही जिसके चलते इस पर स्टे लगाया गया? बिल्कुल महेश, मैं बता दूं कि ये 69,000 सहायक अध्यापक भर्तियों का मामला जो 2019 से उठा था तभी से विवादों पर है। जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मामले को भर्ती तक पहुंचाया, उसके बाद आज काउंसलिंग होनी थी, लेकिन इन्हीं 69,000 जो अध्यापक पास होकर के सहायक अध्यापक बनने की अभ्यर्थी जो पास होकर के आए थे, उसी पर जो कुछ अभ्यर्थी फेल हुए थे उन्होंने ही हाईकोर्ट पर से स्टे लिया है। और अंक तालिका को लेकर के आपसी विवाद था और जिसकी वजह से ये स्टे हुआ है। अंक तालिका फिर से जांच किए जाने की मांग इन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में की थी, कुछ जो असफल अभ्यर्थी थे, और उसी वजह से हाईकोर्ट की बेंच ने इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया है। और पूरी उत्तर माले जो पुस्तिका है उसकी पूरा जांच करने के लिए आदेश भी जारी किए। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से 69,000 सहायक जो अभ्यर्थी थे, सहायक अध्यापकों की भर्ती वाला मामला फिर से कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है। बिल्कुल, चलिए संजय, नजर बनाए कि आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।